नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं इंदिरा सारस्वत, एसोसिएट प्रोफेसर, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज हम धर्मवीर भारती के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर चर्चा करेंगे। धर्मवीर भारती बहुमुखी प्रतिभा के धनी। धर्मवीर भारती का जन्म 1926 ईस्वी में हुआ। साहित्य में आपकी रुचि प्रारंभ से ही थी। विद्यार्थी जीवन में आप साहित्यिक गतिविधियों में व्यस्त रहते थे। धर्मवीर भारती जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की तथा वहीं वे प्राध्यापक भी रहे। वहीं उन्होंने निकस नामक पत्रिका का संपादन किया। बाद में वे धर्मवीर के संपादक के रूप में बंबई चले गए तथा धर्मवीर के माध्यम से उन्होंने हिंदी पत्रकारिता को नए आयाम दिए। उन्होंने नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, कविता, निबंध, आलोचना, यात्रा वर्णन आदि विधाओं में उच्च कोटि का सृजन कर्म किया। उनकी रचनाओं को साहित्य जगत में भरपूर सम्मान भी प्राप्त हुआ। अंधायुग नामक उनका नाटक हिंदी नाट्य साहित्य में अनुपम कृति है। गुनाहों का देवता उपन्यास को हिंदी जगत में अपार लोकप्रियता हासिल हुई। सूरज का सातवां घोड़ा उनका प्रसिद्ध उपन्यास है। इस उपन्यास पर फिल्म भी बन चुकी है। गुलकी बन्नो, बंद गली का आखिरी मकान, ये उनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। सात गीत वर्ष, कनुप्रिया, ये काव्य रचनाएं हैं, काव्य है। पशंती, कहनी और अनकहनी, ये उनके निबंध है। ठेले पर हिमालय, सिद्ध साहित्य, मानव मूल्य और साहित्य, प्रकृतिवाद आदि उनके महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। डॉक्टर धर्मवीर भारती की भाषा में सहज प्रवाह, काव्यात्मकता एवं सुटियल व्यंग्य शक्ति भी है। उनकी वर्णन शैली बहुत ही प्रभावोत्पादक है। धर्मवीर भारती के साहित्य में उनके विशद अध्ययन और यात्रा अनुभवों का प्रभाव को हम देख सकते हैं। उन्हें आर्य समाज की चिंतन और तर्क शैली भी प्रभावित करती है। रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता से भी वे प्रभावित थे। इसके अलावा धर्मवीर भारती जी के साहित्य में हम जयशंकर प्रसाद, शरद चंद्र के साहित्य को भी उन्हें विशेष प्रिय था। आर्थिक विकास के लिए मार्क्स के सिद्धांत इनके आदर्श थे, लेकिन मार्क्सवादियों की अधीरता और मताक्रेता उन्हें अप्रिय थी। सिद्ध साहित्य उनके शोध का विषय था। उनके सत्य सिद्धांत से वे विशेष रूप से प्रभावित थे। पश्चिमी साहित्य का भी उन पर प्रभाव हमें देखने को मिलता है। इसी प्रकार धर्मवीर भारती जी को प्रकृति से विशेष लगाव था। उनके साहित्य में फूलों से संबंधित बिंब हमें प्रचुर मात्रा में दिखाई देते हैं। आलोचकों में भारती जी को प्रेम एवं रोमांस का रचनाकार माना है। उनकी कविताओं, कहानियों, उपन्यासों में प्रेम और रोमांस का यह तत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, परंतु उसके साथ साथ इतिहास एवं समकालीन स्थितियों पर भी उनकी पैनी नजर है। उनकी कहानियां, उपन्यासों में मध्यम वर्गीय जीवन के यथार्थ चित्र देखे जा सकते हैं।
अंधायुग रचना में स्वतंत्रोत्तर भारत में आई जो मूल्यों की गिरावट है उस मूल्यहीनता का चित्रण किया गया है। उनका अपने साहित्य में पूर्व और पश्चिम के मूल्यों का समन्वय स्थापित करना उनका उद्देश्य रहा है। उनके दृष्टि में वर्तमान को सुधारने एवं भविष्य को सुखमय बनाने के लिए आम जनता के दुख दर्द को समझने की आवश्यकता है और आम व्यक्ति के जनता के दुखों को दूर करना हमारा परम कर्तव्य है। उन्हें दुख तो इस बात का है कि आज हमारा सरकारी तंत्र शक्तिशाली लोगों के हाथों में है और आम जनता की परवाह चिंता किसी को भी नहीं है। इस चीज का उन्हें बहुत अफसोस है, दुख भी है। आपने अपनी रचनाओं के माध्यम से इसी आम जन की आशाओं, आकांक्षाओं और विशेषताओं, विवशताओं एवं कष्टों की अभिव्यक्ति देने का प्रयास आपने अपनी रचनाओं में किया है। श्री धर्मवीर भारती जी को अनेक पुरस्कारों से भी अलंकृत किया गया। 1972 में उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया गया। डॉक्टर भारती को अपने जीवन काल में जो पुरस्कार प्राप्त हुए उनमें कुछ प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार है। 1984 में उन्हें हल्दी घाटी श्रेष्ठ पत्रकारिता नामक पुरस्कार दिया गया। इसी प्रकार 1988 में महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके अलावा असंख्य पुरस्कारों से वे पुरस्कृत हुए, अलंकृत हुए और 1997 ईस्वी में धर्मवीर भारती जी का देहावसान हुआ। धन्यवाद।